हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ आई एम डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हमने एक नोट्स बनाई थी, बहुत ही ज़रूरी है फ्रेशर के लिए और जिनको नहीं पता है उनके लिए। इसमें मेनली क्या है कि लोड कैलकुलेशन है, बीम पे कितना लोड आ रहा है, कॉलम पे कितना लोड आ रहा है और स्लैब में कितना लोड आ रहा है। तो कई तरीके के लोड जो है वो कॉलम पे आते हैं। जैसे सबसे पहले जब लोड पूरा निकालना होता है तो कॉलम का सेल्फ वेट होना चाहिए, उसके बाद नंबर ऑफ़ फ्लोर होने चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट ये है कि बीम का सेल्फ वेट होना चाहिए पर रनिंग मीटर के हिसाब से। और तीसरा पॉइंट ये है कि वॉल लोड पर रनिंग मीटर के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि टोटल लोड जो एक्ट कर रहा है स्लैब पे, डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया प्लस सेल्फ वेट हो गया। एक नोट्स हमने बनाई है, वो नोट हमने लिखी है। उस नोट पे लिखा है, बिसाइड ऑफ अबव लोडिंग कॉलम आर आल्सो सब्जेक्टिंग बेंडिंग मोमेंट विच हैव टू बी कंसीडर्ड इन फाइनल डिज़ाइन। मतलब फाइनल डिज़ाइन में आपको ये पता चलेगा। ये हमने एक कैलकुलेशन आपको बता दी है। तो जब कॉलम का लोड कैलकुलेशन आप निकालते हैं तो सबसे पहले हमको सेल्फ वेट पता होना चाहिए कंक्रीट का। तो हमने इसमें बताया है कि सेल्फ वेट ऑफ जो कंक्रीट है वो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसको हम किलो न्यूटन में जब लिखेंगे तो 240 किलो न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सेल्फ वेट ऑफ स्टील इज़ 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। अगर हम कंसीडर करते हैं कॉलम की साइज़ को जो 230 mm by 600 mm है, उसमें हम 1% स्टील लगाते हैं 3 मीटर स्टैंडर्ड हाइट के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इसको हमने मीटर में बदल लिया, 1000 से हमने डिवाइड किया, तो 0.230 × 0.600 × 3 ये हमारे पास आ गया मीटर क्यूब में आ गया, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आ गई। उसके बाद हमें वेट ऑफ कंक्रीट जब हमें निकालनी होगी तो ये जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो कंक्रीट आया हुआ है कॉलम का 0.414 है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आ जाएगा मेरे पास 993.6 इज़ इक्वल टू 994 किलोग्राम। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट जो होती है वो 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जो कि हमने मल्टीप्लाई कराई तो हमें वेट निकल गया। उसके बाद अब हमें परसेंटेज ऑफ स्टील निकालनी है, इस मतलब कि वॉल्यूम में हमने वेट ऑफ स्टील 1% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम, हम जो मेरा कंक्रीट का जो वॉल्यूम था वो है 0.414 इनटू डेंसिटी ऑफ स्टील है ये, तो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिया है, बस ऐसे एज्यूम कर लिया है। उसके बाद ये जो 1% है इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से तो ये 0.01 हो जाएगा। तो स्टील का जो वेट हो गया वो आ गया कैलकुलेशन के हिसाब से 33 किलोग्राम। अब हम टोटल वेट ऑफ कॉलम करेंगे, तो टोटल वेट पहले मेरे पास आया था 994 किलोग्राम प्लस 33 किलो, दोनों को हमने प्लस किया तो हमें ये पता चल गया कि पर फ्लोर पे हमारा 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। फिर हमने एक नोट्स उसमें लिखा है, वाइल डूइंग कैलकुलेशन वी एज्यूम सेल्फ वेट ऑफ कॉलम 10 to 15 एज पर IS कोड 456 to 2000 फॉर बीम लोड। हम एज्यूम कर रहे हैं ईच मीटर ऑफ बीम हैज़ डायमेंशन 230 mm × 450 mm एक्सक्लूडिंग स्लैब, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन स्लैब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.230 × 450 को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.450 × 1, तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन बीम आ गया 0.138 मीटर क्यूब। वेट ऑफ बीम पर रनिंग मीटर, अब हमें वेट निकालना होगा तो कंक्रीट की डेंसिटी से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 0.138 इंटू
2400, तो मेरा वेट हो जाएगा 333 किलोग्राम। अब हम बीम में जो परसेंटेज डालेंगे स्टील का वो 2% है, तो वेट ऑफ स्टील इन बीम हो जाएगा। तो हम पहले इसकी जो वॉल्यूम ऑफ जो बीम की जो कंक्रीट आई है 0.138 × 8000, जो 7850 है, मैं उसको 8000 ले रहा हूँ और ये 2% ऑफ स्टील ले रहा हूँ, तो 22 किलोग्राम आ गया। तो टोटल लोड ऑफ बीम पर रनिंग मीटर मेरे पास आ जाएगा 333 + 22, तो 355 किलोग्राम पर मीटर मेरे पास आ जाएगा। तो फॉर स्लैब लोड कैलकुलेशन, अब स्लैब के लिए सेल्फ वेट ऑफ स्लैब फॉर ईच स्क्वायर, तो हम एज्यूम कर रहे हैं थिकनेस ऑफ स्लैब 125 mm, तो नाउ अब हम 125 mm के लिए ले रहे हैं, हम 1 meter स्क्वायर की स्लैब ले रहे हैं और थिकनेस हम 125 ले रहे हैं, तो 125 को हम 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.125 आएगा इंटू 1 meter स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हमने ली 24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये मेरे पास टोटल वेट आ गया 300 किलोग्राम। इसको हम किलो न्यूटन में वो करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो किलो न्यूटन में आ जाएगा ये 3 किलो न्यूटन हो गया। अब हमने नोट एक बनाई, उस पर हमने कंसीडर किया, वी कंसीडर फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 किलो न्यूटन पर मीटर एंड लाइव लोड टू बी 2 किलो न्यूटन पर मीटर, सो फ्रॉम एबव कैलकुलेशन वी कैन एस्टिमेट स्लैब लोड टू बी अराउंड 6 to 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम पर मीटर स्क्वायर पे 6 से 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे हम दे रहे हैं। तो फॉर लोड कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ ब्रिक 1500 से 1500 to 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, तो कंसीडर हम करेंगे 6 inch थिक वॉल को, मतलब 6 inch वॉल को करेंगे, वॉल ऑफ 3 meter हाइट एंड हैविंग इन 1 meter लेंथ, 3 meter की हाइट और 1 meter की लेंथ पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और 6 inch इसकी मोटाई हम कंसीडर कर रहे हैं। तो लोड पर रनिंग मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी वर्क में हमने इसको, ये जो हमारे पास था 1500, तो हमने इसको 0.150 × 1 × 3 ले लिया × 2000, तो 900 किलोग्राम तो हो गया मेरे पास। इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 9 किलो न्यूटन पर मीटर हो गया। फॉर एरेटेड और ऑटो क्लैफ्ट कंक्रीट ब्लॉक दिस लोड इज़ बिटवीन 550 किलोग्राम टू 700 किलोग्राम पर मीटर होता है। अब हमने एक नोट हमने कराया, इफ़ यू आर यूजिंग ब्लॉक एज्यूम वॉल लोड टू बी 4 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आई एस कोड 456 to 2000 बताता है ये परमिसिबल लोड होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करते हैं, कंसिडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 1.5 एज पर आई एस 456 2000। अब हमें देखिए, जब जो हमने लोड निकाला है तो वो आईएस कोड में लिखा हुआ है कि हमें क्वांटिटी ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में कितनी लेनी है स्लैब और लिंटल में, तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील स्लैब में हो गई 0.7% और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील स्लैब में हो गई 1%। बीम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 1% और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 2%। कॉलम में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 1% और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 6%। फुटिंग में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.7% और मैक्सिमम परसेंटेज होता है 0.8% विथ रेस्पेक्ट टू ऑल टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अबव डाटा। ये हमने डाटा के हिसाब से बताया है और ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील है ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमने लिखवाई है। थैंक यू फ्रेंड्स।